मैं सतीश सिंह, सहायक अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर, विषय इतिहास, कक्षा 6। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम इतिहास पाठ 2 और 3 के बारे में वीडियो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए थे। आज हम इतिहास पाठ 4 वैदिक काल, कहने का मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। कहने का मतलब वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृत का विकास हुआ था। अब इसके बाद हम जानेंगे प्रारंभिक जीवन इनका क्या था। कहने का मतलब प्रारंभ में आर्य जो है इधर उधर घूमते थे, वे कबीलों में, कहने का मतलब झुंड में रहते थे और आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे और चारा तथा पानी और उपजाऊ भूमि जब एक स्थान पर ये लोग तलाश कर लेते थे। कहने का मतलब जब उनके जरूरत के अनुसार, जैसे जंगलों से कंदमूल फल, पशुओं से जो अपना वो करते थे, शिकार करते थे, जब ये नहीं प्राप्त होते, समाप्त हो जाते थे, तब उसकी खोज में लोग दूसरे स्थान चले जाते थे। कहने का मतलब आर्य लोग झुंड में आए थे लेकिन ये लोग कई स्थानों पर छिटक गए, मतलब अलग अलग स्थानों पर बसते चले गए। और आर्य जो है समूह में आए थे जो है, और ये लोग जो है लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदियों के किनारे बसते चले गए। और आर्य सभ्यता का प्रसार, प्रसार का मतलब जैसे आर्य का प्रचार कैसे हुआ, तो आर्य भारत में आए थे और ये लोग जो है सप्त सैंधव प्रदेश से होते हुए आए थे। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहां से आए थे, इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत मत भेद था। और इतिहासकारों का कहना था कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि नहीं, आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। सप्त सैंधव कहने का मतलब 7 नदियों के पार, जैसे सिंधु, रावि, ब्यास, झेलम, चिनाब, सरस्वती, सतलज और दूसरा इसे ब्रह्मावर्त, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, और महर्षि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, आर्यावर्त जो है हिमालय से विंध्य विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, और दक्षिणापथ, कहने का मतलब जैसे विंध्याचल के दक्षिणी ओर का क्षेत्र था। इसके बाद है जैसे वेद, तो वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद से शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित करने वाली प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचाएं कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें हम मंडल कहते हैं। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है यह ऋग्वेद में ही से ही प्राप्त किया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। इसके बाद जैसे सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर सारे गामा का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों का उच्चारण करने की विधियों का वर्णन है। और अथर्ववेद में जैसे तंत्र, मंत्र, जादू, टोना का वर्णन मिलता है। इसके बाद जैसे है कि देखिए वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 काल में विभाजित
किया था। नंबर एक है, जैसे कि ऋग वैदिक काल यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, यह लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चले थे। अब इसके बाद है आर्यों के जन्म, मतलब आर्य कहाँ राजे थे, आर्य जो है कबीले में राजे थे, कहानी मतलब झुंड बनाकर राजे थे, आर्यों के कबीले का नाम मुखिया के नाम पर होता था, और इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों से हमें पुरजन, यदुजन, दुष्जन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है और उसे जनरक्षक कहा गया है। एक जन में कई विश्व होते थे, जिसके मुखिया को शिवपति कहा गया है, और कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे, और इस ग्राम के मुख्य प्रमुख को ग्रामीण, ग्रामीणे कहा जाता है, और या कुल या गृह में विभाजित थे। कहने का मतलब, जैसे कुल या गृह उत्तर वैदिक काल में जब जन अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए, तब से जन या जनपद में परिवर्तित हो गए। इसके बाद जैसे उस समय के राजा, तो वैदिक काल में जन का प्रमुख जो है वह राजा होता था, और राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था, और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा होती थी, और उत्तर वैदिक काल में राजा का चुनाव एक पूर्ण वंशानुगत हो गया था, और राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं बनाई थी। कहने का मतलब, किसी समस्या का सुलझान करने के लिए एक सभा होती थी, जिसमें 70-80 लोग बैठते थे, और कुछ 5-6 लोग विशेष आसन ग्रहण करते थे। विशेष आसन ग्रहण करने का मतलब, या तो ये लोग उम्र के अनुभवी थे तथा शक्ति योगदान के कारण प्रमुख थे, या इन लोगों के पास उन लोगों की अपेक्षा गाय, घोड़े व रथ अधिक थे, और प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहे जाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर के इसका सुलझान करते थे। इसके बाद जैसे कि राजा का शासन, मतलब उस समय राजा का शासन कैसे चलता था, तो जन का खर्चा चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था, और इस उपहार को बलि कहा जाता था, और बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखता था, शेष जरूरत के हिसाब से लोगों को बांट देता था, जिससे राजा और प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत बने रहे। अब इसके बाद है, जैसे कि युद्ध के बाद सभा होती थी, जब कोई युद्ध होता था तो उसके बाद एक सभा संबोधित की जाती थी। कहने का मतलब, युद्ध के बाद एक सभा होती थी, और सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हाथी, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांट देते थे, और लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था, और फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायें, भेड़, बकरियां, अनाज जन के साधारण लोगों को भी दे दी जाती थी, और इससे राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, चांदे, दास दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती थी, और वे पहले से ज्यादा
ताकतवर बन जाते थे। इसके बाद जैसे है कि धर्म एवं यज्ञ, कहने का मतलब जैसे आर्य लोग देवताओं का को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति करते थे और बाद में यज्ञ करना शुरू किए, यज्ञ में पुरोहितों पुरोहित करवाते थे और पुरोहितों के साथ जिसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी सहभागिता करती थी और यज्ञ में सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेद या मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे और जो उन्हें युद्ध में विजयी दिलाते थे। इसके बाद है जैसे कि वैदिक कालीन समाज, उस समय वैदिक कालीन समाज कैसा था, तो वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार का वरिष्ठ मुखिया या पुरुष होता था और जिसको कुल या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर तीन वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था, परंतु किंतु धीरे धीरे यज्ञ करवाते थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्णों में विभाजित थे। ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ कराना, शिक्षा देना। क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना, देश की रक्षा करना। और वैश्य ये लोग व्यवसाय करते थे। शूद्र युद्ध में हारे हुए लोगों को शूद्र कहा जाता था। अब इसके बाद है जैसे कि आश्रम व्यवस्था, कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को चार अवस्थाओं में बांट दिया है। पहली अवस्था जो होती थी वह ब्रह्मचर्य अवस्था होती थी, जिसमें बच्चा आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ अवस्था थी, यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्था वानप्रस्थ और संन्यास थी, जिसमें व्यक्ति घर से दूर किसी वन या किसी कुटी में जाके वहां ईश्वर चिंतन करता था, कहने का मतलब संन्यास प्राप्त करता था। इसके बाद है आर्यों की भाषा, कहने का मतलब आर्यों की भाषा क्या थी, तो यह कहना कठिन है कि आर्य कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान, भारत में बोली जाती थी। यह तथ्य इन भाषाओं के ढंग से पर आधारित थी, जैसे संस्कृत, फारसी और तालिन अंग्रेजी। अब इसके बाद जैसे कि शिक्षा, कहने का मतलब विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और वेदों के साथ साथ जैसे गणित, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान, शिल्प आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके बाद पशुपालन, मतलब आर्य लोग पशु पालन भी करते थे। पशुपालन में जैसे आर्य लोग पशु पालते थे, जैसे गाय बैल इनकी संपत्ति मानी जाती थी और ये इन्हीं से इनके द्वारा जैसे ये लोग क्या करते थे, इससे बैलों से खेत जोतने के रूप में प्रयोग करते थे, कहते मतलब खेती करते थे। और गाय इससे जो है दूध घी प्राप्त करते थे ये लोग। और आर्य लोगों का जैसे इनका बहुत बड़ा महत्व, जैसे खेती मतलब जिस आधार पर जनसंख्या बढ़ती गई उसी आधार पर ये लोग खेती पर आश्रित होते हुए चले गए। कहने का मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। और आर्य अब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र, कहने का मतलब गंगा यमुना के बीच जो बड़ा क्षेत्र थे खेती करने लायक, और उस पे इन्होंने जो जंगल थे उनको काट करके और वहां भी खेती करना प्रारंभ कर दिए। ये लोग जैसे गेहूं, धान, दाल आदि फसल उगाने लगे। अब इसके बाद जैसे है कि शिल्प,
इसके बाद आर्य लोग क्या किए, शिल्प का मतलब जैसे कुछ बर्तन बनाना जान गए, तो आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े के रथ और रथ से तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना और मिट्टी की कुछ जैसे घड़ा बनाना, सुराही बनाना और हस्तशिल्प तथा ये लोग कुछ तांबा कांसा को मिलाकर मिश्रित धातु बनाना सीख गए थे। और इसके बाद जैसे अब इस सभ्यता में उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए थे, तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहने का मतलब दो जैसे दो पार्ट में होंगे। उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में जीवन गतिशील था जबकि उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थाई हो गया था, मतलब ये अस्थाई रूप से एक स्थान पर आना शुरू कर दिए थे। और ऋग वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। और वर्ण व्यवस्था नहीं थी और इसमें वर्ण व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था और उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गए थे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जिसका उत्तर आप लोग वीडियो लेक्चर सुनने के बाद उसे आप देंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां से किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्यों की भाषा क्या थी। तीसरा क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है सप्त स्वर सारे गामा का उल्लेख किस वेद में है। और पांचवा क्वेश्चन है कि आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।